चैंप्स, हाउ्स इट गोइंग? क्या कभी कभार आपको भी खाने के बाद ऐसी फीलिंग होती है? बड़ी ज्यादा प्रोटीन हो गई। बेसिकली आपकी बॉडी में ब्लोटिंग ना दो रीजंस की वजह से होती है। पहला, वाटर रिटेंशन ज्यादा हो जाता है, आपकी बॉडी अगर डिहाइड्रेट हो रही है तो वो वाटर को होल्ड करती है। दूसरा, आपकी बॉडी में गैस और एयर ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। अगर आपने कुछ खा लिया है, जैसे कोई गार्लिक बीन्स दाल वगैरह खा ली है, जिसकी वजह से आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में हवा भरनी शुरू हो जाती है। गुड न्यूज ये कि हम इसको लेस देन 24 आवर्स में फिक्स भी कर सकते हैं। तो आप में क्या क्या चीजें ले सकते हैं? पहली चीज आप ले सकते हैं बनानास। बनानास में होता है पोटेशियम। पोटेशियम आपकी जो बॉडी में वाटर रिटेंशन हुई होती है उसको हेल्प करता है। दूसरी चीज आप ले सकते हैं क्यूकम्बर, खीरा। क्यूकम्बर में होता है क्वर्सेटिन। क्वर्सेटिन में होता है फ्लेवोनॉइड एंटीऑक्सीडेंट, जो आपकी बॉडी में जो भी स्वेलिनेस हुई होती है ना उसको कम करता है। तीसरी चीज आप ले सकते हैं दही, योगर्ट वगैरह। उससे ये होता है कि जो आपकी बॉडी में प्रोबायोटिक्स का हेल्प होता है, जिसकी वजह से जो डिसकंफर्ट हुआ होता है ना गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में, उसमें भी ये हेल्प करता है। चौथी चीज, आप पपाया ले सकते हैं। जो आपके जीआई मसल है ना, उसमें प्रोटीन का ब्रेकडाउन प्रॉपरली नहीं हो रहा होता, पपाया उसमें उसकी हेल्प करता है। अगर आप कोई ड्रिंक लेंगे तो आप कैमोमाइल टी ले सकते हैं, जिंजर टी ले सकते हैं या ग्रीन टी ले सकते हैं। ये तीनों ड्रिंक्स आपकी बेसिकली जीआई मसल को रिलैक्स करती हैं, ताकि आपकी एयर पास थ्रू हो सके। इसके साथ साथ कौन से खाने आपने कम खाने हैं? आपने गार्लिक नहीं लेना, आपने अनियंस कम लेने हैं, आपने दालें कम खानी है, आपने डेयरी कम लेना है, आपने सॉल्ट वाले फूड भी कम लेने हैं। अगर आपको ओकेजनल ब्लोटिंग रहती है तो ये सारी चीज़ें आपकी बड़ी हेल्प करेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है, यू कैन लीव देम इन द कमेंट्स बिलो, एंड आई विल सी यू टुमारो विद अनदर टिप। थैंक्स, पीस।